welcome back to my YouTube channel, Nick's Expedition. I hope you all are doing well, happy and healthy. I hope आपने अब तक मेरे सारे videos Goa series 2022 के देख लिए होंगे and you must have enjoyed and you must have liked all those videos. अब हम पुनः वापस आ गए हैं. आज हम आए हैं मुलशी में. मुलशी में आए हैं हम कुछ off-beat experience के लिए और यहाँ हम आए हैं glamping के लिए. Glamping क्या होता है? हम लोग तो कैंपिंग के लिए आए थे ना. आई एम सॉरी, एक्चुअली ये कैंपिंग ही है, बट कैंपिंग व्हेन कैंपिंग इज लग्जूरियस और कंफर्टेबल देन इट यू कैन कॉल इट ग्लैम्पिंग. और हम आए हैं यहाँ, आप देख सकते हैं, मुलशी हिल्स एग्रो टूरिज्म, द ब्लू बेला रिजॉर्ट. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. When you will put Blue Bella Resort in the map, it's going to end exactly at this point, but don't stop here and go straight 40-50 meters. And here you can see the board of the resort, Blue Bella Resort, and here is the parking, and they have enough parking space. We have parked our car. Now we are going inside to the resort. Already paid 50% advance to book the tent. We have booked Tipi tent, and the charges and other details I'll mention in the description box below. Let's go to the reception to pay rest of the amount and complete the formalities of check-in. Check-in formalities completed. Now we are checking in to our Tipi tent. क्योंकि अभी मार्च का मंथ चल रहा है तो और पूरे दिन इस टेंट पे डायरेक्ट सनलाइट आया होगा, तो थोड़ा सा ये अभी अंदर डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मीन्स गर्मी लग रही है. मुझे लगता है एक घंटे के बाद दिस विल ऑल्सो बी कम्फर्टेबल ओनली. सो अभी हम थोड़े टाइम के लिए बाहर ही बैठने वाले, क्योंकि बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है. और ये इधर बारिश में वाटरफॉल रहता है, वाटरफॉल का पानी इधर से जाता है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता होगा. तो ये है प्राइवेट बॉनफायर. सो यहाँ एवरी रिलीज टेंट के अपोजिट में आपको आपका प्राइवेट बॉनफायर भी मिलेगा. सामने आप देख रहे हैं ये रेस्टोरेंट एरिया है, यहाँ पर आपको फूड सर्व होगा. और ये है इधर कॉमन वॉशरूम. ऑब्वियसली जब आप कैंपिंग में जाते हैं, टेंट में जाते हैं, तो आपको कॉमन वॉशरूम यूज़ करना होता है. सो मेरा जो कंसर्न रहता है वो ये कि वॉशरूम क्लीन रहना चाहिए. तो ये अच्छा है, क्लीन है, कोई इशू नहीं है, वी कैन यूज़ इट. माउंटेन व्यू है यहाँ से.
बहुत ही अच्छी हवा. नाउ विल हैव टी. सो आपने हमारे टेंट का टूर तो कर लिया. बहुत ही लग्जूरियस टेंट है, कंफर्टेबल है. हमने जो टेंट लिया है वो यहाँ का बेस्ट टेंट है. उसका नाम है टिप्पी टेंट और ये टोटल क्वांटिटी 5 है ये टेंट की. इसके अलावा 3 और टेंट है, ये आप ऊपर देख सकते हैं. 1, 2, 3. दीज 3 टेंट्स आर स्विस टेंट्स. तो चलिए मैं आपको स्विस टेंट भी दिखाती हूँ. ये थोड़ा हाइट पे है. सो दीज आर द स्विस टेंट्स. और ये है यहाँ से व्यू, ब्यूटीफुल माउंटेन एंड फॉरेस्ट व्यू. अभी हम चलते हैं वापस नीचे. और ये जो टेंट्स आप देख रहे हैं रेगुलर टेंट्स हैं, ये इन्होंने टेम्प्ररी लगाए थे. होली इवेंट था यहाँ पर जिसके लिए उन्होंने ये टेंट्स लगाए थे. अभी हम आए हैं यहाँ जहाँ बारिश के टाइम पे वाटरफॉल का पानी आता है, बट अभी ये पूरा ही सूखा पड़ा है आप देख सकते हैं. आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ ऊपर से वाटरफॉल आता है, कितना ब्यूटीफुल लगता होगा. पर अभी मैं जाने वाली हूँ. फोटो सेशन हो गया, अब हम नीचे चलते हैं. रॉक के ऊपर फोटो बहुत ही अच्छी आती है. गोइंग डाउन इज डिफिकल्ट. अभी हम जा रहे हैं सनसेट देखने के लिए. हमें रिजॉर्ट के ही जो स्टाफ हैं उन्होंने पूछा आपको सनसेट देखने के लिए जाना है. हमने कहा ऑफ कोर्स जाना है भाई. सो लेट्स गो, देखते हैं कैसा है यहाँ का सनसेट पॉइंट. अराउंड 3 से 5 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं सनसेट पॉइंट पे. चलिए आप मेरे साथ, आपको लेकर चलती हूँ. तारों के देश में नहीं, सनसेट दिखाऊंगी बस. इनके साथ आना था जो हमें गाइड कर रहे थे, वो तो पता नहीं कहाँ चले गए जब तक हम लोग आए. यहाँ पर लोग तो दिख रहे हैं, देखते हैं. After 10 minutes of walk, we arrived at the sunset point. Beautiful sunset. पानी के पास चलते हैं हम भी. तो हमारा सनसेट पॉइंट पे हो गया. हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया यहाँ पर, फोटोग्राफ्स लिए, बहुत प्यारी फोटोग्राफ्स आई है. अब हम वापस जा रहे हैं ब्लू बेला रिजॉर्ट. सो वी रीच्ड बैक टू द रिजॉर्ट नाउ. नाइट व्यू दिखाती हूँ रिजॉर्ट का, बहुत ही प्यारा लग रहा है. आई विल शो. Here we go inside our tent.